आज हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी राष्ट्र की दृश्य कल्पना। यानी जब राष्ट्र की अगर हम कल्पना करते हैं तो क्या दृश्य हमारे सामने आता है, यानी कि राष्ट्र जो होता है उसको एक पर्सन की शक्ल देना, यानी पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। क्योंकि जब हम राष्ट्र के बारे में सोचे तो हमारे सामने किसका चेहरा आता है, किसी पर्सन का चेहरा आएगा। तो हमें राष्ट्र को यानी नेशन को एक चेहरा देना, यानी पर्सोनिफाई करना, गिविंग फेस टू अ नेशन, यानी राष्ट्र को एक चेहरा देना, ताकि जब हम राष्ट्र के बारे में सोचे तो एक चेहरा हमारे सामने आए। तो ऐसे ही जो 18वीं और 19वीं शताब्दी थी उसमें जो आर्टिस्ट होते थे वो ना नेशंस को जब भी नेशंस को पोर्ट्रे करने की बात आती थी तो वो एक फीमेल फिगर के रूप में उसे पोर्ट्रे करते थे। यानी नेशन मतलब एक नारी रूप, यानी राष्ट्र को उन्होंने एक क्या चेहरा दिया, एक नारी का चेहरा दिया। ठीक है, तो वो जो नारी का चेहरा होता था, जो वो फीमेल फिगर होती थी, वो कोई खास महिला नहीं होती थी, यानी कोई स्पेशल वुमेन नहीं होती थी। बस अगर नेशन का है तो नेशन का मतलब एक फीमेल फिगर, लेकिन वो कोई स्पेशल वुमेन नहीं होती। तो वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी वो जो नारी है वो अमूर्त विचार है, यानी वो एब्स्ट्रैक्ट है, हमारे सिर्फ दिमाग में है। हम उसको एक ठोस रूप देते हैं, कॉन्क्रीट, ताकि हम उसको एक इंसान के रूप में, एक पर्सन के रूप में देख सके। ताकि अगर जब हम नेशन की बात करें और हमारे दिमाग में कोई पर्सन का रूप आए तो वो एक नारी रूप आए, जबकि वो नारी असलियत में नहीं एग्जिस्ट करती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं भारत माता, वो कोई इंसान नहीं है, पर्सन नहीं है इन एग्जिस्टेंस, वो एक हमारी इमेजिनेशन है। लेकिन जब भी हम भारत माता की बात करते हैं तो हमारे सामने कैसी पिक्चर आती है, एक नारी की पिक्चर आती है, जो जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो भारत माता मतलब एक फीमेल फिगर, रिस्पेक्टेड फिगर, जो हमारी एक इमेजिनेशन है। तो इस तरह से हमें किसी को एक पर्सोनिफाई करना, एक नेशन को पर्सोनिफाई करना, यानी एक राष्ट्र को एक इंसान की शक्ल देना, एक पर्सन की शक्ल देना, इस तरह को हम बोलते हैं एलिगरीज, यानी रूपक, यानी अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, यानी जो हमारा अमूर्त विचार था, जो हमारे विचार में था, सिर्फ हमारे आइडियाज में था, हमने उसको एक पर्सन का रूप दे दिया। तो जब भी हम उस नेशन की बात करेंगे तो हम उस पर्सन के रूप में उसे अपने दिमाग में कल्पना करेंगे। तो उनको बोलते हैं एलिगरीज, कि अमूर्त विचार को एक इंसान का या किसी वस्तु का, किसी चीज का रूप दे देना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम भी, फ्रांसीसी क्रांति के समय भी, हम जो भी आइडियाज और लिबर्टी होते थे, जस्टिस एंड रिपब्लिक होते थे, यानी स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के जो विचार होते थे, उसको भी फीमेल एलिगरीज के रूप में दिखाया गया है, दिखाते थे, नारी के रूप में दिखाते थे, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो इस तरह की 18th एंड 19th सेंचुरी में इस तरह की टू एलिगरीज जो बहुत फेमस थी वो थी क्रिस्टियन मैरियन एंड जर्मेनिया, क्रिस्टियन मैरियन एंड जर्मेनिया। ये देखिए उनकी पिक्चर आपके बुक में भी दी हुई है, ये है मैरियन और ये जर्मेनिया, ये है मैरियन और ये है जर्मेनिया। तो ये दो एलिगरीज थी, ये वाली एलिगरी जो यूज होती थी ये फ्रांस में यूज होती थी, और ये एलिगरी यूज होती थी जर्मेनिया, जर्मनी में यूज होती थी। तो ये दोनों आप देखोगे कि एक नारी के रूप में ही दिखाई गई है। तो ये किस, ये उस राष्ट्र में, जो किसी भी देश में हम जब भी उस राष्ट्र की बात करते हैं तो हम उस राष्ट्र के में जब भी उसके बारे में सोचेंगे तो हम उसको उस नारी रूप में सोचेंगे, वो किसी चीज, उनकी एकता या उसका प्रतीक होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टियन मैरियन, जो फ्रांस का एलिगरी यूज होती थी। फ्रांस में जो ये क्रिस्टियन मैरियन थी, ये पीपल्स रेशन, ये राष्ट्र का प्रतीक थी। ये एक ईसाई नाम है, ईसाई नाम था मैरियन, लेकिन ये असली मतलब एक्चुअल में कोई स्पेशल कोई पर्सन नहीं थी, कोई स्पेशल महिला नहीं थी, बस एक राष्ट्र का प्रतीक के रूप में उसे महिला के रूप में दिखाया गया। उसे लाल टोपी यानी रेड कैप, तिरंगा यानी ट्राई कलर, कलगी यानी कोकेट के साथ दिखाया गया है। और उसकी प्रतिमाओं को उन्होंने, क्रिस्टियन मैरियन की प्रतिमाओं को उन्होंने पब्लिक स्क्वायर यानी चौराहे पर लगाया था, ताकि सब लोग उसे देखे, लोगों को उसे देखकर किस बात की याद आए, राष्ट्रीय एकता की याद आए हमेशा। यानी वो लोगों को बार बार किस बात की याद दिलाती थी, रिमाइंड पीपल ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी इस एलिगरीज को अपने कॉइंस पर और स्टैम्प्स पर भी दिखाया है, इन छवियों को, जो मैरियन की छवि को उन्होंने अपने कॉइंस पे और स्टैम्प्स पे भी
दिखाया है। ऐसी एक हम एलिगरी थी जर्मेनिया, जो जर्मनी में यूज होती थी। ये जर्मनी की राष्ट्र का प्रतीक था, ठीक है। तो जर्मेनिया, इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया रूपक का जर्मेनिया रूपक को माना गया। अब इस जर्मेनिया को देखा था आपने कि इसे बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया है, यानी उसे क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहनाया गया। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, देखो यहां पर क्राउन ऑफ, ये देखो इसने बलूत के वृक्ष के क्राउन पहना हुआ है, बलूत के वृक्ष का क्राउन पहना हुआ है, उससे सजाया गया इसे। क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता था, यानी जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो इस तरह की एलिगरीज जो होती थी 18th और 19th सेंचुरी में यूज होती थी। इसी प्रकार कुछ प्रतीकों का प्रयोग होता था जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता था। जैसे प्रतीक यूज होता था टूटी हुई बेड़ियां यानी आजादी मिलना, ब्रोकन चेन्स बीइंग फ्रीड। दूसरा प्रयोग होता था जैसे बाज छाप कवच, यानी जर्मन साम्राज्य का प्रतीक, यानी शक्ति का प्रतीक, यानी कि ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर एंड स्ट्रेंथ। तीसरा जो यूज होता था वो होता था बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी का प्रतीक, तलवार, मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह, काला लाल और सुनहरा तिरंगा, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था, उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात। तो इसी प्रकार से इन कुछ प्रतीक यूज होते थे जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता था। तो मैं कुछ आपको एलिगोरीज और दिखाऊंगी, तो आप देखोगे इस तरह की एलिगोरीज यूज होती थी, इस तरह की एलिगोरीज यूज होती थी। ये देखिए पिक्चर आपकी बुक में भी दे रखी है, ये एलिगोरीज देखिए। तो ये एलिगोरीज क्या है, एक नारी रूप है ये एलिगोरीज, ये नारी रूप, ठीक है। तो ये एलिगरीज जो होती थी एक्चुअल में ये कोई स्पेशल वुमेन नहीं होती थी, ये सिर्फ कुछ ना जो एक राष्ट्र को दिखाने के लिए फीमेल फिगर्स का यूज किया जाता था। तो अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, यानी नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म।